नमस्कार दर्शक मित्रों, लोकसत्ता जनसत्ता में आपनु स्वागत छे। फेकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स खाते हिडन आर्टिस्ट इनोसेटिव द्वारा कार्यक्रम नो आयोजन वेस्ट बंगाल अने एमएस यूनिवर्सिटी ना विद्यार्थियों ने साथे राखे आयोजन विविध कलाकृतियों आ तमाम विद्यार्थियों द्वारा रजू कराई फाइन आर्ट्स ना विद्यार्थियों मां अनेरो उत्साह देखायो। ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के लिए, एक दूसरे का काम देखना के लिए, एक दूसरे के काम के साथ इंटरैक्ट करने के लिए, स्पेशली क्योंकि ये एक बहुत ही ऐसा ट्रांजिटरी पीरियड है सबके लाइफ्स में कि अभी कुछ महीनों पहले पास आउट हुए हैं सब लोग, तो एक स्पेस मिला है लोगों को कि अच्छा ठीक है अभी पास आउट हो गए, अभी इतना स्पेस में किस तरह से खुद का प्रैक्टिस डेवलप होगा, किस तरह से चीज़ों के साथ डील किया जाएगा खुद से, तो वो चीज़ भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि बंगाल एक बहुत ही ऐसा सेंट्रल स्पेस है जिसको हम देखते हैं जब भी आर्ट मूवमेंट्स की बात होती है, आर्ट प्रैक्टिस की बात होती है, कहीं ना कहीं बड़ौदा का आर्ट प्रैक्टिस भी उसी से इन्फॉर्म्ड है, केजी सुब्रमण्यम वहीं से आए हैं, हमारे काफ़ी सारे ग्रेट मास्टर्स वहाँ से आए हैं, तो उसकी वजह से भी शायद एक जो फेमिलियरिटी डिसफेमिलियरिटी जो है वो दिखती है एक दूसरे के कामों में कि हम एसोसिएट कर पाते हैं उनके कामों से, पर कहीं ना कहीं विजुअल डिफरेंस है, स्किल डिफरेंस है, आर्टिकुलेशन का अंतर है, और शायद इन सब कामों को साथ में रखने के बाद वो ज़्यादा उभर के आता है और एक तरह से वो एक दूसरे को इन्फॉर्म भी करता है। अच्छा फील कर रही हूँ, ये मेरे लिए मेरा फर्स्ट शो है ग्रेजुएशन के बाद, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, ऐसा अपने ही पीयर्स के साथ शो है तो उनका काम देखने के लिए भी मैं एक्साइटेड हूँ, और ऊपर से फिर जो बंगाल के आर्टिस्ट जो आ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनका काम देखने के लिए भी मैं उतनी एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक लर्निंग एक्सपीरियंस होगा उस हिसाब से बहुत ज़्यादा। हम लोग कुछ हमको जब बताया गया था उसके बाद से हम लोग कॉन्स्टेंटली इस पर ही काम कर रहे हैं, कुछ लोग स्कल्पचर्स बना रहे हैं, कुछ लोग पेंटिंग्स बना रहे हैं, और काफ़ी टाइम जाता है, कुछ लोगों का बहुत लेबर इंटेंसिव प्रोसेस होता है, तो मेरा जैसे प्रोसेस है वो राइस पेपर पे प्रोसेस है पूरा का पूरा ये, तो जब राइस पेपर का प्रोसेस है उसको सूखने में टाइम लगता है, बरसात हो गई तो तुम्हारा पेपर ख़राब हो जाएगा, तो बहुत ही ऐसा एक्सट्रूनियस प्रोसेस है उस तरह से। और हम कुछ स्टूडेंट बैचलर फाइनल ईयर से हैं जो अभी अभी वो पास आउट हुए हैं, और कुछ स्टूडेंट मास्टर्स के हैं, तो वो लगभग 11 स्टूडेंट हैं वहाँ से, ठीक है, शांति निकेतन से, तो वो हैं प्लस यहाँ जो एमएस यूनिवर्सिटी से है फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स है, यहाँ से कुछ स्टूडेंट हैं, वो दोनों का कोलेबोरेशन है यहाँ पे, दोनों को एक जोड़ने का कोशिश किया गया है, दोनों की कल्चरल इम्पोर्टेंस और उनके जो वर्क हैं और प्रैक्टिस जो है, पर्स्पेक्टिव है, उन सारे चीज़ों को एक साथ लाया गया है यहाँ पे इस हिडन आर्टिस्ट इनिशिएटिव जो है उनके द्वारा ये एक इनिशिएटिव लिया गया, तो ये एक महत्वपूर्ण कार्य जो है उन्होंने हम लोगों ने मिल करके किया है कि दोनों इंस्टीट्यूट जो है एक साथ एक जगह पे कंबाइन होकर के एक शेयरिंग एक बात जो है विजुअल्स के माध्यम से करें। फिलोसॉफिकल व्यू पॉइंट से मैं कुछ अपना वर्क मैं रखता हूँ, और उस हिसाब से मैंने मिरर का एक पोर्शन रखा है, एक कर्टेन है पर्दा, और पर्दे की ही मैं बात कर रहा हूँ उस पर कि वो कैसे, जब उसके साथ मिरर भी है तो जब हम उसके सामने आते हैं तो एक हमारा भी आउटलुक उसमें एक नज़र आता है जो दोनों क्रिएट करता है कि क्या मैं भी एक पर्दे की तरह हूँ और क्या उसको हटाया जा सकता है कि नहीं, उस एग्जिस्टेंस उस आइडेंटिटी को, तो उस दो जो डायलेक्टिक है उस चीज़ को लेकर के मैंने अपने बात को रखा है अपने कार्य के जरिए, तो ये महत्वपूर्ण काम जो है मैंने लाया है यहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए। तो मेरे साथ विक्रम है, उनका काम जो है और नेचुरल मटेरियल्स जो है उसको लेकर के उन्होंने काम किया है, और जो बाज़ार है वो कैसे काम करता है उस चीज़ को लेकर के उन्होंने लाया है अपने काम के ज़रिए, और एक दोस्त है अचिंतो भट्टाचार्य करके, उनका वर्क है वहाँ पर, तो उनका वर्क जो है वहाँ के जो फैल रहे जो कचड़े हैं उन सारी चीज़ों से रिलेटेड, कैसे वो पशु जो हैं घरेलू पशु वो कैसे प्रभावित है, उन सारी चीज़ों को लेकर के उन्होंने काम किया है, और कुछ जूनियर्स हैं हमारे जो उन्होंने फोटोग्राफी जो है उन सारी चीज़ों को लेकर के काम किया है,